तक हमने क्या सीख लिया है, हमने रिलेशन सीख लिया है, रिलेशन के टाइप सीख लिए थे। इसके बाद हमने फंक्शन टॉपिक पे आ रहे हैं और फंक्शन में हमने देख लिया है कि वन वन और ऑड टू की प्रूविंग कैसे करते हैं, राइट। और उसके बेस हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें फंक्शन में इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई दिया था कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी क्या होती है। इंजेक्टिविटी चेक करने का मतलब होता है कि आपको 1-1 चेक करना है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब आपको ऑन टू चेक करना है। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि आपको 1-1 और ऑन टू चेक करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना होता है, राइट। तो अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी 1.2 के, तो आपको और थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो चलिए अपन चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 1.2 का, आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x) = 1/x, और फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है आर स्टार। इसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे जनरली जो आर होता है उसका क्या मतलब होता है, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। बट यहां पर जो दिया हुआ है आपका आर, वो क्या है, डिफरेंट है, नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया हुआ है। और नॉन जीरो रियल नंबर्स क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये 1/x है और आपको पता है जीरो रखेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आने वाला है, राइट। तो उसीलिए उसने आपको जो आर दिया स्टार मेंशन करके दिया है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को चेक करना है, राइट। तो पहले तो उनको मैंने आपको बता रखा है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, दिमाग लगे कि कोई फंक्शन जो आपको दिया गया है ये 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, राइट। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं प्रैक्टिकली दिमाग लगे कि 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो यदि मैं चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि यदि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरा f(x) का आंसर भी डिफरेंट आने वाला है। मेरे पास ऐसी एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं है जिनको पुट करने से f(x) का आंसर सेम आए। 1-1 फंक्शन की कंडीशन यही होती है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो यहां पर हमें दिख रहा है क्लियर कट कि x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने वाला हूं तो मेरे f(x) का आंसर भी डिफरेंट आएगा। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग वैल्यूज के लिए आंसर सेम आएगा। तो ये 1-1 फंक्शन तो है प्रैक्टिकली अपने देख लिया है। ऐसे ही ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं। ऑन टू के लिए आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट ये था कि यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया हुआ है, और डोमेन भी आपका क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो यदि आप यहां पर एक्स के प्लेस पे नॉन जीरो रियल नंबर्स रखते हो तो आपका जो आंसर है वो भी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 0.5 आएगा, तो ये सारे आंसर आएंगे। नेगेटिव में रखोगे तो नेगेटिव में आएगा, और ऐसे भी आप एक्स की वैल्यू डेसिमल में रखने वाले हो तो आपके आंसर बड़े आने वाले, 1 से बड़े आंसर देंगे। तो मतलब ये है कि मेरा जो ये फंक्शन 1/x दिया हुआ है इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स हो जाएगी। इसका मतलब मुझे ये भी प्रैक्टिकली समझ आ गया है कि फंक्शन 1-1 और ऑन टू तो है, यहां तक तो आई थिंक क्लियर है। बट प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग पैटर्न की मैंने आपको बताई थी कि पहला काम आपको चेक करना है प्रैक्टिकली कि 1-1 ऑन टू है या नहीं है। ये चेक करने के बाद आपको राइटिंग पैटर्न पे फोकस करना है। तो दो पैटर्न मैंने आपको बताए थे, जब होता है 1-1 और जब नहीं होता है। तो अभी तो अपन ने चेक कर लिया है, तो पैटर्न के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लिखेंगे चेकिंग फॉर इंजेक्टिविटी, और यू कैन ऑल्सो से चेकिंग फॉर 1-1 फंक्शन, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, आप लिखेंगे लेट x1 एंड x2 आर द टू नंबर्स दैट बिलोंग्स टू माय डोमेन, या डोमेन क्या है मेरा, सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, राइट। तो ये डोमेन को बिलोंग करते हैं सच दैट f(x1) = f(x2। आपको मैंने बताया था इन दोनों को इक्वल करना है। इनको इक्वल करने के बाद मुझे चेक करना होगा कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहां पे, तो आंसर कितना आ गया 1/, यहां पे कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे आंसर आ गया x1 और x2 इक्वल है। दैट मींस आई कैन से हेंस फंक्शन इज 1, क्योंकि आपको पता है यदि f(x1 और f(x2 इक्वल तभी होंगे जब x1 और x2 इक्वल आएगा, दैट मींस द फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोड इस। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको जब किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना होगा तो उसके क्या पैटर्न बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको साइड में जो फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वल करना होगा, राइट। y के इक्वल करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, ये यहां तक मैंने आपको बता रखा है, राइट। इसके बाद अपन क्या बोलते हैं, इसके बाद हम बोलते हैं लेट देयर इज अ एलिमेंट y दैट बिलोंग्स टू माय कोडोमेन। ये बता दिया था मैंने, क्योंकि ये तो रेंज का पार्ट है ना। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एलिमेंट y है जो कोडोमेन को बिलोंग करता है, फिर मैं कहूंगा फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू
that belongs to my codomain, there exists one by y in domain. ये मैं कहूंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, यदि मेरे पास कोई एक y रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो वन बाय y भी एक नॉन जीरो रियल नंबर ही होने वाला है. ये तो ऑब्वियस ही बात है ना. यदि y नॉन जीरो रियल नंबर है तो वन बाय y भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा. इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स जो कि मेरे कोडोमेन के पार्ट हैं उनकी एक प्री इमेज डोमेन में होने वाली है. फिर से बता रहा हूं, मेरे सारे एलिमेंट्स जो कोडोमेन के पार्ट हैं उनकी प्री इमेज डोमेन में होने वाली है. और यही मेरे कोड अपनी फंक्शन की डेफिनेशन थी ऑन टू फंक्शन की, दैट एवरी एलिमेंट इन सेट बी शुड हैव अ इमेज इन सेट ए. और अदर वे था कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए. इसके बाद मैं कह सकता हूं सच दैट एफ ऑफ वन बाय वाई, मैंने क्या बताया था एक्स की जगह आपको वन बाय वाई पुट करना है, इक्वल्स टू वन बाय वाई दैट इज इक्वल्स टू वाई. हैंस इट इज ऑन टू, और वी कैन से हैंस फंक्शन इज ऑन टू. यह आपको राइटिंग पैटर्न ध्यान रखना है. ठीक है, पहले तो आपको ये चेक करना है प्रैक्टिकली वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कोई रैंडम एलिमेंट लेना है, लेट्स टेक वाई दैट बिलोंग्स टू द कोडोमेन. फिर आपको ये चेक करना है कि यदि वो कोडोमेन को बिलोंग करता है तो उसकी जो प्री इमेज है वो डोमेन में रहती है या नहीं रहती. और यहां पे प्री इमेज क्या होगी उसको इक्वल करके अपन निकालेंगे. तो मैंने वो देख ली कि भाई वन बाय वाई ऑब्वियस सी बात है डोमेन में हो गई होगा क्योंकि वो भी तो एक रियल नंबर आने वाला है नॉन जीरो. उसके बाद उसको पुट करके देख लो, वाई आ गया, दैट्स वाई द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. आई थिंक यहां तक सबको कहानी क्लियर हो गई है. अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी और बात एड ऑन कर दी गई है कि आपको ये और चेक करना है कि बताइए कि जब मैं आर स्टार को रिप्लेस करता हूं एन से इन दोनों जगह पर, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस बाय एन और कोडोमेन को सेम रखा है. डोमेन को मैंने रिप्लेस कर दिया है, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, यहां पे उसने क्या कर दिया है इसको एन कर दिया. यहां से आपको थोड़ा और बेटर वे में क्लियर हो जाएगा. उसने डोमेन को कर दिया है, कोडोमेन को सेम रखा है. अब आपको ये चेक करना है कि बताइए अब इस सिचुएशन में फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है. तो चलिए इसको चेक करते हैं. तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पुराने सॉल्यूशन को. अब पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन जब भी चालू करना है तो आपको थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिकली दिमाग लगाना है ना. तो दिमाग लगा के पहले तो ये सोचिए कि यदि मैंने डोमेन को एन कर दिया, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया है और कोडोमेन सेम है, तो क्या ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा. तो चलिए ट्राई करते हैं. यहां पे आप फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करने वाले हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट करने वाले हैं. तो यदि मैं यहां नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो फिक्स्ड आंसर बनने वाला है, राइट. तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मैं नंबर्स पुट करूंगा उसके लिए मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट आंसर आने वाला है. ऐसा तो नहीं है मैं दो डिफरेंट नेचुरल नंबर यहां पुट करके सेम आंसर ला पाऊंगा, ये तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है. इसका मतलब यह है कि वन वन फंक्शन तो है, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, वन वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट आंसर मेरे एफ ऑफ एक्स के आने वाले हैं. तो वन वन फंक्शन में तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं. अब बात आ जाती है इसको ऑन टू फंक्शन चेक करना है, राइट. चलिए तो ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं. ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, मैं यहां से कोई एक एलिमेंट लूंगा, कहां से, कोडोमेन से. कोडोमेन से एलिमेंट लेने के बाद मैं चेक करूंगा कि उसकी प्री इमेज डोमेन में रहती है या नहीं है. ठीक है बात, तो चलिए करते हैं चेक. मैंने कोडोमेन से एक रैंडम एलिमेंट ले लिया, लेट्स टेक 2, है ना. तो 2 की प्री इमेज क्या होने वाली है, 2 की प्री इमेज 1/2 होने वाली है. तो क्या 1/2 यहां पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है. बट इसकी पहले जो सिचुएशन थी उसमें था, क्यों, क्योंकि उसकी पहले जो सिचुएशन थी उसमें डोमेन क्या था, उसमें जो आपका डोमेन था वो आर स्टार था, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर. तो आपका 0.5, 0.1 सारे आंसर्स पॉसिबल थे. बट अब यहां पर आप डेसिमल और नेगेटिव में आंसर नहीं ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने यहां पर नंबर ले लिया -2, तो -2 की प्री इमेज क्या आने वाली है, 1/-2, राइट. तो फिर वो अगेन नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी. प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैं कह सकता हूं ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो लिखने का पैटर्न देख लेते हैं. इंजेक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सेम की सेम आपको लिखना है एज इट इज, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें सेम की सेम पैटर्न आप फॉलो कर लेना, लिख देना x1 x2, लेट्स टेक 2 नंबर दैट बिलोंग्स टू n कर देना बस, क्योंकि अब यहां पे वो डोमेन का पार्ट है. मैं डायरेक्टली ऑन टू और सब्जेक्टिविटी के लिए बताता हूं. सब्जेक्टिविटी या ऑन टू के लिए बताता हूं आपको क्या करना है. यहां पे हम लिखेंगे लेट देयर इज अ नंबर y दैट बिलोंग्स टू
आर स्टार, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला था, कोई कोई नंबर रैंडम लेना है जो अपना कोडोमेन का पार्ट है। अब यहां पे उसकी आपको ऐसी वैल्यू लेना है जिससे मेरा आंसर सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेशन में भी बात सिखाई थी और इसमें मैंने बताई कि जब आपको किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ नहीं करना, ये ऑन टू नहीं है, तब आपको किसी रैंडम कोई ऐसा नंबर लेना होता है जिसके लिए वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यहां कोई एक ऐसा नंबर सोच लो जिसके लिए प्रूफ नहीं हो पाने वाला है, तो आप लेते हैं लेट वाई इक्वल्स टू, आप लेते हैं नंबर टू ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी टू, कैन एफ ऑफ एक्स कैन बी टू, एफ ऑफ एक्स को टू होने के लिए एक्स को क्या होना चाहिए, वन बाय टू होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। तो मैं कहूंगा कि इफ वाई इज इक्वल्स टू टू देर इज नो एक्स, देर इज नो एक्स दैट बिलोंग्स टू आर एन फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू। मैं ये कह दूंगा, मैं कहूंगा कि ऐसा कोई है ही नहीं मेरे पास एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो, टू के बराबर हो। एफ ऑफ एक्स टू के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो दैट इज वाई हैंस इट इज नॉट ऑन। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे छोटे मोटे कोई एग्जाम्पल लेने होंगे, नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लो। तो यहां थोड़ा सा आपको नंबर थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, आपको नंबर्स के बारे में सोचना होगा। इंजेक्टिविटी तो क्लियर थी, तो अब मैं ये कह सकता हूं जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जब ये आर टू आर था, तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है, क्योंकि वन वन और ऑन टू जब दोनों होता है, मैंने आपको बताया था इफ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ वी से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बट इस केस में ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। अपन अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बहुत सारे पार्ट हैं आपको, है ना, तो इसमें से कुछ पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो मैं ओरली आपको बता दूंगा कि सारे पार्ट्स क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। आप यदि क्वेश्चन देखेंगे तो सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है बोर्ड अच्छे से क्लीन होना चाहिए तो आपको क्लियरिटी अच्छी आएगी, राइट। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक थोड़ी रिक्वेस्ट की थी कि जब आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई सा टॉपिक आपको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, या आपकी कोई रिक्वेस्ट है सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, तो आई विल ट्राई टू यू नो अपलोड दोस पर्टिकुलर चैप्टर वीडियोस एज़ वेल। मैं वैसे तो चाह रहा हूं कि सीक्वेंस फॉलो करूं पूरा की पूरा एनसीईआरटी का, ताकि आपको इजीली सब कुछ मिल जाए, बट स्टिल इफ यू फील नहीं सर ये चैप्टर भी आप करवाइए या ये चैप्टर में हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप इसका और वीडियो अपलोड करिए, तो आई विल ट्राई टू डू दैट। बट जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टू को देखते हैं। क्वेश्चन टू कहता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो एन टू एन है। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है और डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर है। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में। तो यदि आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं, मैंने आपको दो तरीके से बताया था लास्ट क्लास में भी कि आप एक तो ग्राफिकल मेथड होती है, एक जनरल मेथड होती है। तो आप जब एडवांस क्लासेस पढ़ते हैं उसमें आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को करना होता है ताकि जल्दी हो जाते हैं वो। तो अपन तो नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यदि फिर सपोज एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और यदि आप एक्स स्क्वायर के बारे में सोचें तो यदि आप उसमें नेचुरल नंबर पुट करने वाले, राइट, और आप यदि एक्स स्क्वायर में नेचुरल नंबर पुट करने वाले तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर भी एक नेचुरल नंबर आने वाला है। जैसे आपने वन रखा एक्स की जगह तो वन स्क्वायर वन हो गया, टू रखा तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, थ्री रखा तो थ्री का स्क्वायर फोर हो गया। तो आपको पता है यदि मैं नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो मेरा आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप का कोडोमेन एन है तो क्या मैं कह सकता हूं इसका रेंज भी एन होगा। थोड़ा सा सोचिए, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है क्योंकि सारे पार्ट इसी से लिंक्ड है, तो उसको अपन डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब मैं कह रहा हूं कि जो फंक्शन है वो एन टू एन है, राइट, मतलब कोडोमेन तो एन है। मैं चेक करने वाला हूं क्या एक्स स्क्वायर की रेंज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है, जल्दी बच्चे सोचते हैं सर आप एन पुट करोगे तो आंसर तो एन ही आ रहा है। बिल्कुल बात ठीक है कि आप भाई नेचुरल नंबर पुट करोगे तो आंसर तो नेचुरल नंबर ही आएगा, बट जो आंसर आएगा क्या आपका वो सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। जैसे आपने वन पुट करा, वन का आंसर वन आया, टू पुट करा
टू का आंसर 4 आया, 3 का आंसर 9 आया, ऐसे आपके आंसर आते जाएंगे। अब आप यदि ध्यान से देखें तो जो रेंज वाला मेरा सेट बन रहा है उसमें 3, 2, 5, 6, 7, 8 ये तो आंसर ही नहीं आ रहे, और x की मैं ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूं जिससे कि वो आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरी रेस्ट्रिक्शन क्या है, डोमेन की रेस्ट्रिक्शन तो एनी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। तो यदि मैं नेचुरल नंबर पुट करता हूं आंसर नेचुरल नंबर टाइप का आएगा, बट वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स क्या है, मिसिंग है। तो इसका मतलब ये कि इस पैटर्न के क्वेश्चन में अपन को देखना पड़ेगा कि कोडोमेन तो एन है बट रेंज एन नहीं होगा, तो यहां गलती मत कर देना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन टू का जो फर्स्ट पार्ट कहता है वो ये कहता है कि फंक्शन एन टू एन है और आपको बोला गया है एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन जो दी गई है वो है एक्स स्क्वायर, और आपको चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को चेक करना है। तो फटाफट अपन चेक कर लेते हैं, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है ना, ये भी सारे क्वेश्चन में लगने वाला है, तो फटाफट चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन टू फंक्शन के लिए चेक, वन वन फंक्शन के लिए चेक करना है, तो अपन ये लिख देते हैं चेकिंग फॉर इंजेक्टिविटी, और आप वन वन फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली फटाफट सोच के बताइए कि ये वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा। वन वन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट आंसर आना चाहिए। तो यदि मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं तो 1 आएगा, 2 की जगह 4, 3 की जगह 9। तो इसका मतलब ये कि जब मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट कर रहा हूं तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रही है, क्योंकि एक्स की रेस्ट्रिक्शन एन है इसीलिए आ रही है। यदि इसको जेड कर देंगे तब ऐसा नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज वन वन फंक्शन बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर ऑफ वाई। डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिस्टिंक्ट आंसर आ रहे हैं। लिखने का पैटर्न आपको पता ही, क्या करते हैं अपन, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन such that, ये पैटर्न फिक्स है आपको पता ही, अपन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल मानते हैं, फिर इनको इक्वेट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं यहां, इससे दो रिजल्ट आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस में इसलिए करना चाह रहा हूं। तो ये वाला केस अभी फेलियर है, यहां पर ये फेल है और ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अपने दोनों नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंटीजर टाइप का नंबर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट अभी इस केस को बिलोंग नहीं करता, तो ये केस फॉल्स हो गया। क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर हैं, तो x1 cannot be equals to minus x2, क्योंकि इंटीजर हो जाएगा। यदि ये इंटीजर टाइप का होता तो मैं इस केस को लेता, तो अभी मैं कहूंगा कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंजेक्टिव, और यू कैन से हैंस इट इज वन वन फंक्शन। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस अपन चेक कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो पहले ऑन टू अपन प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? कोडोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट रेंज इज नॉट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट, है ना। उसमें कुछ नंबर्स तो आ रहे हैं बट सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, दैट मींस कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होता तो हमको पता है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। इस केस में प्रूविंग में अपन क्या करते हैं, इस केस की प्रूविंग में आप क्या करते हो, आप कुछ स्पेसिफिक नंबर्स लेते हो, राइट, और कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए आप बताते हो कि वो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए वही पैटर्न फॉलो करते हैं। मैं कहता हूं लेट देयर इज अ नंबर y दैट बिलोंग्स टू n, यहां पे n किसको डिनोट करता है, यहां पे n कोडोमेन को डिनोट करता है। इफ y इक्वल्स टू, लेट्स टेक 2 ले लेते हैं, सो इफ y इक्वल टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये अपन को क्या है, यहां पर मैं क्या हुआ कि मैंने सपोज वाई की वैल्यू 2 ले ली, आप कुछ और ले सकते हो, आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जो वाई यदि नेचुरल नंबर टाइप का मैंने ले लिया है तो क्या उसकी प्री इमेज एक्स में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं कि मैं एफ ऑफ एक्स डाल करके आंसर 2 लाऊं, नहीं ला सकता हूं। Hence, it is Not onto function, और ये इसलिए bijective भी नहीं है, है ना, bijective के लिए दोनों होना जरूरी है, बस सिंपल सा। तो बस आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कोई भी ऐसा केस लेके इसको फेलियर बताना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है, फेलियर के लिए बताना है, सक्सेस के लिए आपको पता नहीं, केस बता रखा है। चलिए इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट डिस्कस करते हैं। अब उसमें क्या दे रखा है, जेड टू जेड कर दिया इसने, क्या कर दिया है, जेड टू जेड कर दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब यदि z टू z करते हैं तो क्या ये इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, पहले तो उसको फटाफट सोचो जरा, z टू z के केस में क्या ये इंजेक्टिव होगा, पहले थोड़ा सा सोचो।
मैंने आपको बताया प्रूविंग करने से पहले थोड़ा सोचना होता है। तो चलिए चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक इंटीजर टाइप का नंबर है, तो उसका यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर तो नेचुरल नंबर टाइप का आंसर आने वाला है ना। आई थिंक क्लियर है। नेचुरल या होल नंबर जीरो ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे ये अराइज होती है कि यदि मैं माइनस वन रखता हूं एक्स की जगह तब भी आंसर वन आता है, वन रखता हूं तब भी आंसर वन आता है। तो इसका मतलब मेरे पास दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हैं जो डोमेन का पार्ट हैं, जिसके लिए मेरे को डोमेन या रेंज में आंसर तो सेम आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट वन वन, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, तो ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। और यदि वन वन फंक्शन नहीं है तो लिखने का पैटर्न क्या होगा, हम दो ऐसे एग्जाम्पल बता देंगे जिसके लिए आंसर एफ ऑफ एक्स का सेम आ रहा है। तो मैं कहूंगा एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू, तो दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, हैंस इट इज नॉट वन वन। बात खत्म हो गई, सिंपल। आपको बस ऐसे दो एलिमेंट बताने थे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर सेम आ गया, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि अब ये इंटीजर टाइप हो गया। तो देखिए यदि कोडोमेन और रेंज डोमेन चेंज करने से क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ जाता है, फंक्शन तो सेम ही है, केवल डोमेन चेंज करने से वन वन नहीं है। अब सेम यहां पे आ जाते हैं। चलिए ऑन टू फंक्शन को चेक करो फटाफट, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, सोचिए। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको वही काम करना है, पहले प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अपन कोई ऐसी वैल्यू यहां पे एक्स स्क्वायर में कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसकी प्री इमेज आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो सपोज मैं यहां पे प्री इमेज लेता, सपोज मेरे पास कोई एक इंटीजर टाइप का नंबर है, लेट्स टेक माइनस थ्री। तो क्या माइनस थ्री किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है जो कि इंटीजर टाइप का हो? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीजर टू इंटीजर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात चल नहीं रही है। या फिर कोई बच्चा थ्री ले लेता है, चलो नेगेटिव पे भी नहीं जाता है तो थ्री ले लेता है। तो यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री है तो क्या मेरे पास एक्स की इंटीजर टाइप की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता है। तो या तो आप नेगेटिव का एग्जांपल ले लो या पॉजिटिव में भी ऐसे नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लेते हैं सेम टू सेम केस लिख रहे हैं जो अपन ने पहले लिखा था। लेट अस टेक अ नंबर y इक्वल्स टू 2 दैट बिलोंग्स टू z, देन यू विल राइट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x equals to, वही बात अपन कह दी, where x belongs to z। यहां पे हम कहेंगे कि हमारे पास x की कोई भी एक इंटीजर टाइप की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए f of x 2 के बराबर है, क्योंकि यहां पे जो मेरा डोमेन है अभी वो क्या है, इंटीजर दे रखा है ना, और किसी भी इंटीजर टाइप के नंबर के वैल्यू का मैं स्क्वायर करने वाला हूं तो 2 तो आंसर आएगा नहीं। Hence it is not on, it is not on। बात करता हूं, सिंपल था ये, बेटर हमको फॉलो करना। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में अब क्या कर दिया उसने, R to R कर दिया, सेम क्वेश्चन है, उसने क्या कर दिया उसको R to R कर दिया। तो चलिए R to R में देख लेते हैं। तो यदि 1-1 फंक्शन अपन चेक करते हैं R to R के लिए, तो फटाफट देख के बताइए क्या R to R में 1-1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो 1-1 फंक्शन की कंडीशन क्या थी, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देयर शुड बी डिफरेंट वैल्यूज, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट आंसर आने चाहिए। क्या यदि मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अब यहाँ पे x में, तो क्या डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे जब r टू r होगा? तो नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि z में ही नहीं आ रहे, तो r में तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि z भी तो r का ही पार्ट है ना। तो यदि मैं वही वाला केस दिखा दूंगा जो मैंने अभी कहा था, मैं सिंपली कह दूंगा कि यदि मेरे पास x की वैल्यू माइनस वन है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और माइनस वन का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर तो वन आने वाला है, राइट। और यदि मैं एक और दूसरा रियल नंबर वन लेता हूं और वन का स्क्वायर भी वन आने वाला है, that means f of minus 1 equals to f of 1, that means I can say that it is not 1-1 function. So, ye to clear hai, as it is apne kar rakha hai, hai na, same to same apne pattern follow kar lenge. Ab yahan pe kaam jo ab aayega aapko, wo onto mein aayega, onto ki condition koi kaafi change jayegi ab, theek hai, usko dekh lete hain. To chaliye chalu karte hain, ye likh leta hun main r to r, pehle main likh leta hun for 1-1 function. 1-1 फंक्शन के लिए मैं क्या कहने वाला हूं, मैं कहने वाला हूं कि f ऑफ माइनस वन और f ऑफ वन दोनों के आंसर क्या आ गए, 1, दैट मींस हैंस इट इज नॉट 1-1। बात खत्म हो गई,
क्योंकि माइनस वन और वन दोनों किसको बिलोंग करते थे, रियल नंबर को बिलोंग करते थे, डोमेन का पार्ट थे, उनको पुट करने पे दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो ये वन वन तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं ऑन टू के लिए, चेक करते हैं थोड़ा। अब देखो ऑन टू में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आर टू आर है अपना, तो यहां पे मेरे पास जो कोडोमेन है वो रियल नंबर्स है और मेरे पास डोमेन भी रियल नंबर है। इसके इसका क्या मतलब है कि मैं यदि x की डिफरेंट वैल्यू रियल नंबर टाइप की पुट करूंगा तो मेरे मतलब कि जो रियल नंबर मेरा आंसर है, हर एक रियल नंबर के लिए कोडोमेन में एक प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, डोमेन में। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो कोई बच्चा बोलता सर मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स टेक 2, है ना, जो अभी तक अपन केस ले रहे थे। तो मैं 2 यदि इसके इक्वल करता हूं तो x की वैल्यू √2 आती है, तो दैट मींस सर √2 तो 1.414 वो एक रियल नंबर का पार्ट है, तो ये हो सकता है सर। कोई बच्चा 5 लेगा, कोई 7 लेगा, हो सकता है कोई बच्चा 0 लेगा उसके लिए भी होगा, कोई 1/2 1/3 लेगा उसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सबके रूट यहां रियल नंबर ही आने वाले हैं। कुछ ही नंबर, कोई रियल नंबर का रूट आप करोगे, नॉन जीरो रियल नंबर का रूट, नॉन जीरो रियल नंबर का जब आप रूट करोगे, है ना, जो नॉन नेगेटिव है उनके रूट तो रियल नंबर ही आने वाले, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होने वाली है, जब कोई बच्चा एक नेगेटिव नंबर लेता है, तो कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने एक नंबर लिया लाइक y दैट बिलोंग्स टू माय रियल नंबर एंड y इक्वल्स टू, मैंने ले लिया -2। अब इसका सर आप स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट तो रियल नहीं आएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, इमेजिनरी हो गया नहीं है। तो ये केस फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो मैं कहने वाला हूं कि लेट y दैट बिलोंग्स टू r माय कोडोमेन y इक्वल्स टू -2 मैंने मान लिया है, और मैं कहता हूं कि अगेन आई विल से द सेम डायलॉग, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू r, x को क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो x ही कोई भी ऐसी रियल नंबर की वैल्यू नहीं है फॉर विच, फॉर विच f ऑफ x किसके इक्वल हो, -2। हो ही सकता, आप कोई भी ऐसा नंबर सोचो x की जगह जिसका स्क्वायर करके -2 आए, x रियल नंबर हो तब, इमेजिनरी नहीं जब रियल नंबर हो, कि कोडोमेन अपना डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्शन है। तो ये इसीलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो यहां पे गलती कर देते बच्चे, तो आपको सारे टाइप के नंबर लेने होते हैं, ठीक है। इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या कर दिया उसने, n टू n कर दिया है और डेफिनेशन को x क्यूब कर दिया है। चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। अब उसने क्या कर दिया, डेफिनेशन को x क्यूब कर दिया है और फंक्शन को डोमेन चेंज करके n टू n कर दिया है, डोमेन और कोडोमेन दोनों बदल दिए। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन भी बदल गई, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। फटाफट देखते हैं, तो पहले सोचिए कि क्या जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है या नहीं, पहले तो ऐसा सोचिए, है ना। तो मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x क्यूब दे रखा है और n टू n दे रखा है। सोच लेते हैं चलिए। तो 1-1 फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जब मैं डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करूं तो मेरा आंसर भी डिफरेंट आए, राइट। तो चलो चेक करते हैं, पहले प्रैक्टिकली पुट करते हो, x की वैल्यू आपने नेचुरल नंबर टाइप के रखने, तो 1 रखा, 1 का आंसर 1 आया, 2 का आंसर 8 आया, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। इससे मुझे समझ आ रहा है कि मैं यदि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं क्योंकि सारे नेचुरल नंबर टाइप के हैं, तो मेरे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर टाइप के हैं, सेम आंसर नहीं आ रहा है। तो 1-1 तो है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑन टू के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, वही सेम की सेम अपने वैल्यू पुट करके चेक करी, तो मेरे आंसर तो नेचुरल नंबर टाइप के आ रहे हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी कंडीशन ऑन टू के लिए क्या होती है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो कोडोमेन पे आप जाएंगे तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। अब मैंने किसी बच्चे ने एक नेचुरल नंबर ले लिया, सर मेरा नंबर है 5, ठीक है, जो मेरे कोडोमेन को बिलोंग करता है, बट क्यूब रूट ऑफ 5, एक्स की वैल्यू तो क्यूब रूट ऑफ 5 ही होगी ना, यदि रेंज अपना एन को अपन एक्स क्यूब को 5 मानते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 5 तो यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर टाइप का नहीं है। किसी ने 6 ले ली, किसी ने 9 ले ली, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं थे उनके लिए तो सारी बात एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहां पे अपन एग्जांपल लिख के लिखेंगे और यहां पे अपन प्रॉपर पैटर्न से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1-1 तो है, तो अपन वही कहानी लिखने वाले हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, और x1 x2 नेचुरल नंबर, तो मैंने फिर बोला कि लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 जो है x2 के इक्वल आता है। अब यहां थोड़ी सी डेप्थ बात बताता हूं एक बार, है ना, देख लो, सारे बच्चों को पता नहीं होती है।
एक्स वन केवल एक्स टू के इक्वल नहीं आएगा, एक्स वन की एक वैल्यू और आएगी जो एक्स टू के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे है क्यूबिक कंडीशन, तो जब आप इसको साइड ट्रांसफर करके यहां लाओगे तो ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख के बता देता हूं, ये होने वाला का केस। तो मैंने तो पहला केस ये लिया है, दूसरा केस जब आप लेके सॉल्व करोगे ना तब भी एक रिलेशन आएगा, बट वो मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि जो इससे आंसर आने वाला है वो नेचुरल नंबर टाइप का नहीं आने वाला है। इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे ना तो इमेजिनरी नंबर आएगा, बात समझ गए? तो इस केस को मैं इसलिए भी रिजेक्ट कर दे रहा हूं डायरेक्टली, आप भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इससे जो आंसर आने वाला है वो इमेजिनरी आएगा, नेचुरल नंबर टाइप का नहीं आएगा। हमारी कंडीशन तो नेचुरल नंबर टाइप की है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, दैट्स व्हाई इट इज वन। यहां तो बात खत्म हो गई, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। ऑन टू के लिए तो मैंने आपको क्या बताया, आपको एक एग्जांपल लिखना होता है, जब ऑन टू नहीं होता तो फटाक से कोई नंबर सोच लो। हम सोच लेते हैं लेट देयर इज अ नंबर y दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर y इक्वल्स टू, मैंने मान लिया लेट्स टेक 2, तो फॉर y इक्वल टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x दैट बिलोंग्स टू n फॉर व्हिच f ऑफ x इक्वल्स टू 2। बस ये आपको डायलॉग याद रखना, दैट्स ऑल, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, खत्म, सिंपल सी बात थी। आई थिंक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसमें उसने एक पार्ट और कह दिया है कि यदि इसको वो z टू z करते है ना, तो एक z टू z का केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यदि z टू z हो गया मतलब क्या है, आपका डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और को डोमेन क्या है, वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो चलिए सोचिए, तो अपन सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, वन वन के लिए चेक करते हैं। तो वन वन के लिए क्या होना चाहिए कि आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो आपका जो y का आंसर है मतलब f of x का आंसर, वो भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आंसर आना चाहिए। तो चलिए फटाफट सोचिए, प्रैक्टिकली नंबर लो। तो आपने x की वैल्यू सपोज ले ली माइनस वन, क्योंकि अब ये z हो गया ना तो आपको नेगेटिव नंबर तो सोचने पड़ेंगे। तो आपने यदि माइनस वन ले लिया तो आंसर कितना आ गया, माइनस वन आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपने x की वैल्यू क्या ले ली, माइनस टू ले ली, तो माइनस एट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको बस ये सोचना है कि क्या मेरे पास ऐसी कोई दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसके लिए मेरा f of x का आंसर सेम आ सकता है, ऐसा है या नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे एक बार जोर डाल के सोच लो। यदि ऐसा है तब तो ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, और ऐसा नहीं है तो ये वन वन फंक्शन है। तो फटाफट जरा सोच के बता दीजिए कि ऐसा कोई केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, किसी के दिमाग में आ रहा है फटाफट से। इसको मैं जेड टू जेड कर देता हूं, अगला पार्ट है। तो ऐसा केस नहीं आ रहा है क्योंकि मैं x की जब डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं ना, तो नेगेटिव भी पुट कर रहा हूं तो यार नेगेटिव में आंसर आ रहा है, राइट? पॉजिटिव में आ रहा है, z को जो बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरी डिफरेंट वैल्यू जब मैं x की पुट कर रहा हूं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वन वन फंक्शन। राइटिंग पैटर्न एज इट इज रहेगा, केवल और केवल आपको क्या चेंज करना है, बस खत्म काम। तो मैं ये कहने वाला हूं कि लेट देयर इज x1 एंड x2 दैट बिलोंग्स टू z, ये दोनों इक्वल है, क्यू भी इक्वल है, सेम टू सेम पैटर्न, क्लियर बात। तो ये तो वन वन फंक्शन है। ऑन टू के लिए फटाक से चेक करो कि क्या ये z टू z में ऑन टू होगा, नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वही काम करना है कि यहां पे पहले तो n की जगह z कर देना है। पहले तो प्रैक्टिकली सोचो कि क्या ये ऑन टू फंक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बता रखा है कि आपको ऐसा नंबर सोचना होता है जो कि कोडोमेन का पार्ट है, जिसके लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये y इक्वल टू 2 के लिए फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू 2 इज अ इंटीजर टाइप और उसका क्यूब रूट इंटीजर टाइप नहीं आने वाला है, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। तो अपन नेगेटिव में जाने की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है ना, बट हाँ यदि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको z में नेगेटिव का केस लेना होता है, यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि 2 के लिए फेल हो गया, 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर टाइप। कोई बच्चा माइनस 2 के लिए भी बता सकता है कि मैंने सर y इक्वल्स टू माइनस 2 ले लिया जो कि इंटीजर टाइप है, बट जब उसका क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो वो इंटीजर टाइप का नहीं आ रहा है, तो दैट मींस फेल हो गया। तो सेम टू सेम आपका राइटिंग पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी बैक लैंग्वेज चेंज करनी थी, n की जगह पर आपको z एज इट इज हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन टू के आपको सारे पार्ट क्लियर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन थ्री अपना चालू होने वाला है। अब क्वेश्चन थ्री चालू होने के पहले आपको अपन को थोड़ा सा डिस्कस करना है, एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक फंक्शन है, बच्चे इसको देख के पहले डर जाते हैं। एक तो मॉड्यूलस को देख के आप डर जाते हो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख के आप डर जाते हो। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, बेटा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज के बाद जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा
तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो एक बार इसको अपन डिटेल में थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूं कि आपने नहीं किया है, तो उसको एक बार अपन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो जिसमें आपको मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बार थोड़े अच्छे से क्लियर कर दूं, बट अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2.5, तो 2.5 के अंदर इंटीजर टाइप की क्या वैल्यू है। तो इंटीजर टाइप के लिए मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इंटीजर टाइप की वैल्यू उसके अंदर तो 2 है, क्योंकि डेसिमल का 0.5 तो इंटीजर टाइप नहीं है ना। तो इंटीजर टाइप की जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो 2 है। तो इसका बात मुझे इससे ये समझ आती है कि यदि मेरे पास 2.5 है नंबर, उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालू, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो जो आंसर कितना आने वाला है 2 आने वाला है। 3.2 रखूंगा 3 आने वाला है, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप की ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 है। कोई बच्चा सर 2 बोल दे, सर 2 में बताओ, तो 2 में तो 2 ही आएगा क्योंकि वो इंटीजर टाइप का, तो 2.0 मान लो तो 2 ही आंसर आने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, नेगेटिव में होती है, क्योंकि नेगेटिव में हम इतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं। तो नेगेटिव में देखो -1.2 कर दिया किसी बच्चे ने, अब गलती के चांस बढ़ गए। अब जल्दी बच्चे बोलते सर इसका तो आंसर -1 आएगा फटाक से, बट बेटा -1 थोड़ी ना आएगा। ध्यान से देखो इसमें इंटीजर टाइप की ग्रेटेस्ट वैल्यू उसके अंदर क्या है, वो तो -2 है ना, क्योंकि -2 तो इससे छोटा है ना। यदि आप -1 ले लोगे तो -1 से इससे तो बड़ा आंसर हो जाएगा ना, आपको उसके अंदर जो इंटीजर की ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इट हैज इज -2 नॉट -1, अदरवाइज तो इसका आंसर भी 3 हो जाता। तो इस नंबर से तो लीस्ट छोटा ही लेना है ना, तो -1.2 से तो छोटा -2 होगा ना, -1 थोड़ी ना होगा, -1 तो बड़ा हो जाएगा। तो नेगेटिव में थोड़ा सा केस बिगड़ जाता है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये आ गया तो आंसर इसका -3 लेंगे, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो इसके बेस पे अपन आप क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो R2R है, और अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये 1-1 भी नहीं है और onto भी नहीं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 कहता है मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = ग्रेटेस्ट, ये ब्रैकेट बेटा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। तो उसको नॉर्मल ब्रैकेट नहीं करना, इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, और अपने पास फंक्शन कहां से कहां है, R2R दे रखा है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है 1-1 के लिए और फिर उसको onto के लिए देखना है। 1-1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 1-1 को इंजेक्टिविटी कहते हैं, onto को सर्जेक्टिविटी कहते हैं, ये भी आपको पता है, और दोनों होते हैं तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो 1-1 के लिए अपन इसको चेक करें तो पहले तो अपन को प्रैक्टिकली थोड़ा नंबर लेके सोचना होगा, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर लेता हूं, उसके लिए आंसर चेक करता हूं whether answers are coming same or not। तो मैं चलो 2-4 नंबर लेता हूं, सपोज मैं x की जगह 2.1 ले लेता हूं, तो आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सपोज मैं आंसर नंबर लेता हूं 2.5 लेता हूं, आंसर कितने आने वाला है, तो मतलब कि ये 1-1 तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 1-1, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ली थी मैंने, बट y की तो वैल्यू सेम आ गई। यदि मैं x की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू ले रहा हूं जो कि रियल नंबर है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, यदि n हो गया ना तब मामला बिगड़ जाएगा, तब भी 1-1 हो जाएगा ना, तो मामला वहां बिगड़ जाएगा। तो अभी R2R बोला तो मैं डेसिमल नंबर ले सकता हूं, तो मैंने क्या कहा, दो डिफरेंट नंबर ले लिए x के, बट उनके लिए y का आंसर तो सेम आ रहा है, मतलब कि ये 1-1 फंक्शन तो है नहीं है, सॉरी ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y का तो आंसर सेम आ गया है। तो मैं ये कहूंगा लेट अस टेक टू नंबर x1 एंड x2 वेयर x1 इज इक्वल्स टू 2.1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2.5, बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो 2.1 यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका आंसर निकालता हूं तो 2 आता है, और 2.5 आप कोई भी दो डेसिमल नंबर ले सकते हैं ना, 3.1 3.5 आपकी इच्छा है, इसका भी आंसर 2 आता है। तो मैं कहता हूं कि f(x1) इज कमिंग इक्वल्स टू f(x2) बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, f(x1 और f(x2) के आंसर तो इक्वल आ रहे हैं, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, हेंस ये 1-1 फंक्शन नहीं है।
यहाँ तक तो पैटर्न क्लियर है, बहुत सिंपल। किसी कोई बच्चा नेगेटिव में भी ले सकता है, ऐसा नहीं है, आप -3.1 -3.6 भी लेके कर सकते हो, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा कि रियल नंबर टाइप के आप ले सकते हो। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। कोडोमेन और रेंज को इक्वल होने के लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एवरी एलिमेंट इन माई सेट बी देर शुड बी आ प्री इमेज इन सेट, यही होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा सोचता हूं पहले तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज के बारे में सोचेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है हमेशा किस टाइप का आने वाला है, इंटीजर टाइप का आंसर आने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, इंटीजर जेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप कोई भी नंबर यदि रख रहे हैं देखो आप, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, इंटीजर टाइप का मिल रहा है। -3.1 रखोगे तो -4 मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो 1। आंसर तो हमेशा इंटीजर आ गया कि नाम ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यदि आपका इंटीजर टाइप का आंसर आने वाला है मतलब कि उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज तो इंटीजर होगी। बट हमारे पास कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन तो हमको दे रखा है क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात क्लियर है, तो दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये क्लियर होगा। अब लिखने के पैटर्न पे आते हैं, तो लिखने के पैटर्न में आप क्या बोलेंगे कि लेट अस टेक एनी नंबर वाई दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ आई टेक वाई इक्वल्स टू लेट्स टेक कोई भी डेसिमल ले लो 2.6 ले लो, फॉर वाई इक्वल टू 2.6 देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू आर फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2.6। क्योंकि हमको पता है कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा, राइट। और अपना आंसर यहां पे क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल ही नहीं है, तो ये तो होना नहीं है। तो आप ये लाइन मैंने आपको सिखाई चुका हूं, आप परफेक्ट हो चुके हो इसमें लिखने के लिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस वॉज दी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें और कुछ पूछ पाया क्या, नहीं पूछ पाया। ठीक है, अब अपना जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पे आपको दूसरा स्पेशल फंक्शन आ गया, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपने जो डेफिनेशन बचपन से पढ़ी है कि आप कोई भी नंबर डालोगे तो आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। पढ़ा है ना ये बात, ये तो होता है मॉडुलस फंक्शन कि कोई भी आप उसमें नंबर डालोगे, रियल नंबर है ना, इमेजिनरी की बात नहीं चलती है ना, तो हम उसमें रियल नंबर यदि डालेंगे तो हमारा आंसर नॉन नेगेटिव टाइप का आएगा। ये अभी तक हमने सबने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, बट यदि आपने 11 क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन दी गई थी 11 क्लास में कि ऐसा क्यों होता है ना, उसका ग्राफ भी था 11 क्लास में, आपने डिटेल में डिस्कस की देखा होगा। थोड़ा सा एक बार मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताता हूं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे चलती है वो देखो। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है -x जब एक्स लेस देन 0 हो, और उसका आंसर x होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होती है। ठीक है, अब सपोज किसी बच्चे ने क्या करा कि x की नेगेटिव वैल्यू ले ली, सपोज -2.5 ले ली, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, -2.5, तो आंसर कितना आ गया 2.5, पॉजिटिव बन गया। किसी बच्चे ने पॉजिटिव नंबर ले लिया 4, तो 4 तो वैसे पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे आंसर पॉजिटिव बनता है। तो बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन होती है वो -x होती है x लेस देन 0 और x होती फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो मॉडुलस फंक्शन है। ठीक, अब इस पे बेस अपना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है r टू r, और हमको चेक करना है कि वो 1 1 2 है नहीं है। तो आई थिंक ये तो फटाफट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मैंने अब डेफिनेशन बता दी है, तो क्लियर कट फटाफट से कर लेते हैं इसको। 1 1 फंक्शन के लिए चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ये r टू r क्या है, फंक्शन मॉडुलस x है। ठीक है, तो क्या ये 1 1 होगा, जल्दी से चेक करके बताओ क्या ये 1 1 होगा, 1 1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास r टू r दे दिया है, n टू n में हो जाएगा है ना। यदि मैं n टू n कर दूंगा तब तो बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास यदि नेचुरल नंबर होगा तो आंसर नेचुरली आएगा, बट अभी इसने r टू r कर दिया तो फंस गया ये। तो r टू r में तो मैं नेगेटिव मेरे पास अलाउ है, तो मेरे को पता है कि मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तब भी तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं कहूंगा लेट अस टेक अ नंबर -1 है ना, तो f ऑफ -1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा f ऑफ -1 का आंसर, और f ऑफ 1 का आंसर निकाल लेते हैं कितना आएगा,
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ रहा है ना, बट x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। f ऑफ x1, f ऑफ x2 इक्वल है, बट x1 और x2 का इक्वल नहीं है, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, या माइनस वन और वन किसको बिलोंग करते हैं, r को लिख देना, तो दैट मीन्स इट इज नॉट वन। वन वन जब नहीं होगा तो आपको मैंने बता दिया था, बस एग्जाम्पल लिख के बताना है। आप सीधी सी बात है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉडल निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आएगा, तो दो आंसर सेम मिल जाएंगे बट वैल्यूज तो डिफरेंट थी। बट यदि ये n टू n कर देता उस केस में ये वन वन हो जाता, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है ना, तब तो ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोडोमेन और डोमेन का बड़ा ध्यान रखा करो कि क्या z टू z में होगा क्या, z टू z में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू जो रखूंगा तब भी मेरा काम नहीं बनेगा, तब भी वन वन नहीं होगा। तो ये डोमेन और कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? कोडोमेन रेंज इक्वल होना चाहिए। फटाफट देख लो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब मेरे पास पॉजिटिव जीरो नेगेटिव सारे आंसर हैं, इंक्लूडिंग डेसिमल इंटीजर सारे टाइप के आंसर हैं। तो मैं यदि कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं यहां पर जो कि लेट्स टेक नेगेटिव टाइप का है ना, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक लेट्स टेक y दैट बिलोंग्स टू माय कोडोमेन और y की वैल्यू मैंने ले ली माइनस टू। ठीक है, तो मैं कहूंगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या मेरे पास फॉर विच f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस, ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल है क्या अपने पास कि यहां पे मैं रख दूं आंसर माइनस टू आए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे फंक्शन की डेफिनेशन तो मॉड्यूलस x है ना, और मॉड्यूलस x का आंसर आपको पता है हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव में तो आंसर आएगा ही ना, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो मतलब नेगेटिव टू जो कि कोडोमेन का पार्ट था उसके लिए डोमेन में कोई जगह नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो अपन लिख देंगे इट इज नॉट ऑन टू, बट यदि एन टू एन कर देता तब बात बन जाती, क्योंकि एन टू एन में तो पॉजिटिव ही रखते, तो पॉजिटिव आंसर की प्री इमेज तो आपके पास थी, तो एन टू एन में एग्जिस्ट करेगा, जेड टू जेड में नहीं करेगा। तो आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब अपन देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन, एक आपको सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। क्या होती है सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन, आप किसी को पता है? बहुत कम बच्चों को पता होता है कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। तो सिग्नम फंक्शन बेटा होता है मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, काम आएगी आगे जाके भी। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, लिमिट वगैरह चैप्टर बंद करेंगे ना, वहां भी काम आएगा। मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स होता है सिग्नम फंक्शन, में लिख के बताता हूं और आपको थोड़ा समझाता हूं। मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स ये होता है सिग्नम फंक्शन, ऑब्वियसली एक्स तो जीरो नहीं होगा। तो अब यहां पर हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसके तीन आंसर होते हैं, वन जीरो माइनस वन। वन कब होता है? जब एक्स जीरो से बड़ा आएगा। जीरो का होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तब इसका आंसर जीरो लेते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका आंसर जीरो लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रख लो। और जब एक्स लेस देन जीरो होगा तब इसका आंसर माइनस वन लेते हैं। ये होता है सिग्नम फंक्शन और उसकी डेफिनेशन, क्लियर है? अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बना है, सेम क्वेश्चन बना दिया कि उसने एफ ऑफ आर टू आर दे दिया है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने आपको बता दिया कि होता क्या है, कहां से आया है ना, ये मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स आया था, ये आपको डेफिनेशन दी है। एफ ऑफ आर टू आर आपका फंक्शन, और आपको क्या चेक करना है, वही चेक करना है वन वन और ऑन टू के लिए चेक करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए चेक करते हैं। तो फटाक से बताओ कि क्या ये वन वन होगा? बिल्कुल सी बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स का तो सेम आंसर आ रहा है। तो यदि मैं एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लेता हूं, तो सपोज मैं एक्स की वैल्यू लेता हूं टू, तो आंसर क्या लेना होगा मुझे, वन। एक्स की वैल्यू यदि मैं लेता हूं थ्री, तब भी मुझे आंसर क्या लेना है, वन। 2.5 पे भी तो वन ही लेना है। तो मैं ये कह सकता हूं, वही बात अब लिखेंगे, फॉर वन वन क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ टू वन है, एफ ऑफ 2.5 भी वन है, क्योंकि जब जीरो से बड़ी वैल्यू लूंगा तो आंसर तो मेरा वन ही आ रहा है ना। तो दैट मीन्स आई कैन से एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, बट एक्स वन और एक्स टू इक्वल है क्या? नहीं है भाई, एक्स वन और एक्स टू तो मैंने रियल नंबर टाइप के नंबर लिए,
है ना, उनको पुट कर दिया फंक्शन में, मैंने चेक किया तो मुझे समझ आया कि f of x1 और f of x2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये 1-1 है क्या? नहीं है। सिंपल सी बात थी, तो बहुत ही सिंपल केस था। ऐसे चेक कर रहे थे अपन कोड ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए कोड डोमेन रेंज इक्वल आना चाहिए। इस फंक्शन की रेंज क्या है? क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन 1, 0, -1, तीन ही एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1, 0, -1 तीन ही एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि रेंज में तो मेरे पास तीन एलिमेंट है 1, 0, -1, और कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 8, सारे रियल नंबर है, तो कोडोमेन और रेंज तो इक्वल ही नहीं है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, राइट। अब लिखने का पैटर्न क्या होता है आपको पता है, तो अपन ऑन टू फंक्शन लिखेंगे, चेकिंग फॉर ऑन टू फंक्शन अपन लिखेंगे, लेट अस टेक एलिमेंट वाई दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर इन द कोडोमेन, लेट y इक्वल्स टू आपको वैल्यू मान लो जो इन तीनों के अलावा है, तो किसी बच्चे ने ले ली सर 2.5 लेता हूं मैं, तो मैं कहूंगा फॉर y इक्वल्स टू 2.5, फॉर y इक्वल्स टू 2.5 देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच x काइम है रियल नंबर, फॉर विच एफ ऑफ एक्स जो है वो 2.5 के इक्वल है। क्या एफ ऑफ एक्स कभी 2.5 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के तो तीन ही आंसर पॉसिबल है, 1, 0 और -1, और बट मेरा तो 2.5 भी आंसर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मैं तो रियल नंबर ले रहा हूं, अलाउ कोडोमेन है, बट उसकी प्री इमेज मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है एक्स में, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, बस इतनी सी बात लिखनी है। तो आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1-1 और ऑन टू को अपन को कैसे चेक करना होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है लेट ए 1, 2, 3, बी 4, 5, 6, 7 एंड एफ आपको फंक्शन दिया। अब यहां पे इसने क्या कर दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन की जगह से सेट फॉर्म में लिख दिया है ना, ठीक है। तो सेट फॉर्म में अपन ने 11th क्लास में डोमेन और रेंज निकालना सीख चुके थे, है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि आपको यदि सेट फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है तो आपको डोमेन कोडोमेन रेंज निकालना सब आता ही आता है। चलिए तो फटाफट चेक कर लेते हैं, तो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है 1, 2, 3 आपका एक सेट है ए, सेट बी आपको दे रखा है वो है 4, 5, 6 और आपके पास जो फंक्शन है वो दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। थोड़ा सा भी दिमाग लाओगे तो उसकी डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए क्या दिमाग लगाओगे, यदि मैं इसको x ले लूं तो x प्लस 3 करके मेरे पास आंसर आ रहा है, तो कोई बच्चा भी बोले सर x प्लस 3 इसकी डेफिनेशन हो सकती है, बिल्कुल बात ठीक है, x प्लस 3 डेफिनेशन इसकी हो सकती है। अभी हमको क्या चेक करना है, हमें बताना है कि 1-1 फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन तो बोला है प्रूफ करना, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, फॉर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ वाई। तो यहां पे मुझे दिखता है कि यदि मैं 1 ले रहा हूं डोमेन में तो आंसर 4 आ रहा है, 2 के लिए 5 आ रहा है और 3 के लिए 6 आ रहा है, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पर आपको थ्योरेटिकली लिखना होगा, फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स देयर आर डिस्टिंक्ट आंसर्स ऑफ वाई, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स देर आर डिस्टिंक्ट आंसर y, मतलब x इक्वल्स टू जब 1 लिया तो आंसर 4 था, 2 के लिए 5 था, 3 के लिए 6 था, कोई आंसर में ओवरलैपिंग तो मिल ही रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि 3 की जगह अभी 5 आ रहा है, 3 के साथ 5 नहीं आ रहा है ना, तो और 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन यही तो कहती है, 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए देयर शुड बी डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, ये डेफिनेशन थी हमने क्लास में पढ़ी थी। तो अपन यहां पे कह देंगे फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए There are distinct images inside B. That is why it is 1-1 function. बस इतनी सी क्लियर लिखनी थी और आप एग्जाम्पल बता देना कि 1, 4, 2, 5, 3, 6 बस ये आप कोई बच्चे से मैपिंग करके बता सकते हैं इसको। वैसे तो एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस आने थे बट हाँ ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है, आप इसे मैपिंग करके बता सकते हैं इसको कि भाई 1 की मैपिंग क्या बनती है, 4 बनती है, 2 की क्या बनती है, 5 बनती है, 3 की क्या बनती है, 6 बनती है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो, है ना। और क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू नहीं है क्योंकि कोड डोमेन क्या है 4, 5, 6, 7 और रेंज क्या है 4, 5, 6 है, तो ऑन टू तो नहीं है, बट हाँ 1-1 है। आई थिंक ये क्लियर है, बस आपको इतनी सी डायलॉग रखना है,
for distinct element inside A, there are distinct images inside B. That is why it is one one function. So I think ये भी आपको clear हो गया, ठीक है? तो अब इसके बाद अपन बाकी question discuss करते हैं.